ये भाई रात दस 100 में ढेर है। मैंने स्टार्टिंग में गुरुद्वारा बोल दिया था क्योंकि कम से कम 100-200 साल पुराना होगा पेड़ आराम से। क्योंकि भाई ये देखो सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। जितने मेरे पंजाबी फ्रेंड्स हैं भाई, देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा दिखाने वाला हूँ गुरुद्वारा राजस्थान का भाई, बहुत ही प्यारा है गुरुद्वारा है। देखो आगे और यहाँ पे मैं फिलहाल तुम्हें इतना बताया था, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ पूरी फैमिली आई है। चलो मुझे बाहर उतार के खुद आगे चले गए कार पे आराम से। अब मेरे को पूरी इतनी गर्मी में बाहर जाना पड़ेगा और ऊपर से हम राजस्थान में आए हुए हैं, नो वाटर नो थिंग ओनली गर्मी। भाई फ्रेंड में तो जो ना कोई राजस्थान वाला, भाई बहुत गर्मी है राजस्थान में। देखो अभी हम ना आए हुए थे यहाँ पे राजस्थान में, इसलिए मैं चाय बारिश में नजर देख रहे थे, काफ़ी अच्छा है। देखो खुद देखो मस्त लग रहा है एकदम, ऊपर गोल्डन नीचे भाई वाइट वाइट सा, और लगता है काफ़ी पुराना भी है क्योंकि उसका ना रंग देखो तो पुराना सा हो गया भाई। हवा बहुत तेज चल रही है आज, हवा काफ़ी सी पसंद नहीं है अभी तक मेरे को। वो देखो वो रहे आगे सारे सारे, वो रहे वो रही हमारी कार, वो रहे सारे सारे। और मैं आके पापा जी से मिल के आता हूँ। कोई मेरे को अकेला छुट के आए थे ना, इसलिए एक काम खराब ही हो गया, ये पूरा जो स्टैंड है भाई कार वाला वो भाई निकल चुका है खराब है। देखो पूरा निकल गया, अलग ही हो चुका है पूरा। चलो भाई अभी फिर ठीक भी हो चुका है, सही रहा भाई। ये भाई घूम रहा नहीं यार, ये पंगा इसका ये पे चिपका हुआ पूरा वो अच्छी तरह से। ये भाई इसकी एंट्री गुरुद्वारे की, यहाँ से होगी एंट्री आगे। वो देख भाई चोर स्पॉटेड, जो मैंने अपने हेमकुंड साहिब में ली थी ना एक टॉप रुमाल, वो उसने ले रखी है भाई। देखो कितना तूफान सा है पड़ा है मिट्टी मिट्टी भर गई यार यहाँ पर, हर जगह इतनी गर्मी भाई। ये देखो ये है मेन गुरुद्वारा और इसके आगे जितने जगह है ना उनको ना रीबिल्ड कर जा रहा है, मतलब वापस रिपेयर कर जा रहा है, जो खराब हो चुकी है और बाहर वाले गेट का भी काम चल रहा था। और भाई हम चलते हैं अंदर, बाकी बात आपको आने बाहर आने बताता हूँ अगर ये हवा ना चल रही हो तो। चलो भाई अभी अंदर जाके आ चुके हैं और अभी थोड़ा बाहर दिखाते हैं। यहाँ पे देखो मशीनें वगैरह इतने बड़े बड़े, ये कम से कम 100-200 साल पुराना होगा पेड़ आराम से। क्योंकि भाई ये देखो जिस हिसाब से इसकी लकड़ी सी हुई पड़ी है, और भाई कुछ बोल वैसे है तो काफ़ी अच्छा डेरा। वैसे हाँ भाई मैं तो कहता हूँ ये भाई रात दस 100 में डेरा है। मैंने स्टार्टिंग में गुरुद्वारा बोल दिया था क्योंकि मेरे को ना मेरे प्री है पिताजी ने कहा था और ये कि गुरुद्वारा है, मेरे को गुरुद्वारा है सुरतगढ़ और ऊनकोट वाली रोड पे है। सुरतगढ़ से 10 किलोमीटर हाँ। निकलने के बाद आता है राधा स्वामी डेरा ये, और इनके जो अभी जो गद्दी सिंह है बाबा जी, उनका नाम है अमोलक जी महाराज, जो यहीं से है। बाकी हम कोई न्यूज़ वाले नहीं है, पर देखो यहाँ पे ये तुम बाहर से देखोगे ना तो पूरा पूरा ये एक्चुअली गुरुद्वारा लगता है, पर ये है तो एक्चुअली एक बस डेरा। काफ़ी अच्छा भाई बनाया हुआ, अंदर भी काफ़ी अच्छा व्यू डिज़ाइन वगैरह बहुत मस्त है भाई। ये देखो यहाँ पे इसके कमरे बना रखे हैं अलग, और ये पीछे खुल चुका है फिलहाल। ये देखो वल्लाह बीबी कैसे हो सभी। और भाई चलो अभी यहाँ पे भाई प्रसाद छक लिया, मतलब प्रसाद आराम खा हो गया आगे, मतलब प्रसाद में चाय पी गया बस। और भाई बस कुछ ही बोल भाई, इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा अच्छी है, देखो कितना मस्त लग रहा है ना भाई। ऐसी जगह आने में मज़ा भी आता है कि हाँ भाई ऐसी जगह है, ऐसे रीजनल अपनी ऐसे जगह भाई आने में अच्छा लगता है कि हाँ कोई ऐसी जगह है जो बाहर के देशों को टक्कर दे सकती है अपनी, वो इतने पुराने जमानों की बनाई हुई भी। ओ भाई ये इसकी अंदर की एंट्री के लिए गेट है, और बाकी जो मेन गेट है भाई वो है उधर। और यहाँ पे भी देखो पेन वगैरह पर रखे सारा सामान रख रखा है, ऐसा है नहीं कुछ भाई यहाँ पे आधे जगह पीछे है काफ़ी।
भाई लगभग लेते थे काफ़ी नई नई सी, बाकी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है फार्मिंग पे। और अभी हम निकलते हैं। मम्मा आप ये क्या लेके हो, कहाँ से भाई? हाँ वल्ला मैं भाई, देखो मम्मा ये निकल गई वल्ला अभी भी उतारो इसको। अब मैं इसको अंदर रखता हूँ, चलते हैं आपको गेट दिखाता हूँ मैं मेन तो। आप आओ मैं निकलता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी काम स्टार्ट कर रखा है इसका, जितना कुछ आगे देख कुछ ना कुछ बना रहे हैं शायद तक, या कोई प्लेटफॉर्म बड़ा कर रहे हैं इधर का। देखो ऐसे पूरी जगह स्पाट करके कुछ यहाँ बनाएंगे या फिर कुछ और काम कर रहे हैं नीचे से कुछ बना रहे होंगे भाई। वो भाई यहाँ पे देखो इधर अंदर की साइड लिखा हुआ है डेरा श्री हजार बाबा, नहीं हजार बाबा देवा सिंह जी महाराज जा चक नौ जी बी राधा स्वामी। भाई कितना बड़ा है भाई ये नाम। देखो भाई अभी ये रहा मेरे पीछे राधा स्वामी का डेरा, जो भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से, अगर आप खुद देखना चाहते देख सकते हो। बाकी मैं पापा ने सारा एड्रेस बता दिया है। और बाकी देखो ये छोटा सा व्लॉग इतना ही था, इसके लिए था ये व्लॉग बस। अभी इस व्लॉग लिए इतना ही था। देखो अगर आपको ऐसे कुछ छोटे व्लॉग चाहिए, मिनी व्लॉग चाहिए कुछ ऐसे रीजनल चीज़ों के ऊपर या किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो जरूर बताना कि अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और बनाऊंगा। बस फिर मिलूंगा आपको एक और नए ब्लॉग से, तो बाय बाय।